ये है दूसरा रूम, ये आपका आ गया दूसरा रूम है ना जी। ये थोड़ा उस रूम से थोड़ा यूनिक लग रहा है क्योंकि सेटलमेंट ज्यादा है। ये देखिए, ये है, ये घोड़े की क्रैप बैंडेड, पैरों पे राइडिंग वगैरह कराते वक्त। और ये है इंडोसलैंड सैडल, उसका रेट क्या है सोनू भाई? ये 400 रुपए का सेट है, 400 रुपए का। इसमें काला भी मिल जाएगा ऊपर है ना? काला है, ये है नीला भी आता है इसमें। अच्छा अच्छा, ये है इंडोसलैंड सैडल, ये क्या काम आती है? ये भी राइडिंग के काम आती है, राइडिंग के काम। थोड़ा रंग बिरंगी सैडल, बिल्कुल लाइट वेट में अच्छी और मजबूत भी है ये। कितना वजन होगा इसमें आपके हिसाब से? सर इसमें होगा मैक्सिमम 2 किलो। 2 किलो वजन, वो हल्की है बहुत है ना। ये किस रेट की है? इंडोसलैंड बोलते हैं इसको, ये 7000 की आती है। 7000 की है कम्प्लीट। जितनी हल्की सैडल होती होगी सोनू भाई उतनी ज्यादा रेट में आती है क्या? और जितनी भारी होती होगी थोड़ा कम आती होगी है ना? हाँ बिल्कुल। ये है घोड़े के टंडन बूट। टंडन बूट कैसे, यानी कि वो ऊपर नीचे घुटने से नीचे तक के पहना दो? घोड़ा पैर लगा के चलता है, जख्म हो जाते हैं तो ये लगा दो। ये चारों पैरों के है ना? बिल्कुल। ये किस रेट के हैं ये? ये एक सेट है सर, एक पीस आता है ये। अच्छा, 950 रुपए का। और यानी कि एक पैर का लेना चाहो चार का लेना चाहो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। ये रबड़ का खुरा है, वो खुरा करने के लिए घोड़े के। ये कितने रेट का है? ये 80 रुपए का। 80 रुपए का। वो ब्रश है, ये ब्रश, ये कितने के हैं ब्रश? सर ये ब्रश तो 180 रुपए का है। 180 रुपए। हाँ, इसमें हल्का वाला मेरे पास अभी है नहीं। वो कम रेट का आता है, वो लंजिंग है ऊपर। अच्छा, उसकी वो रैन बिल्कुल लंजिंग देने के लिए घोड़े को घुमाने के लिए। कितने मीटर की आती होगी सोनू भाई? इसमें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 7 मीटर है, 11 मीटर है या 5 मीटर है। अच्छा अच्छा, 9 मीटर है। क्या किस रेट की है ये? ये 600 रुपए की है। 600 रुपए। ये सब बिट है। ये देखिए अलग अलग है ना, ये पोलो बिट है। ये पोलो बिट कितने की है? ये पोलो बिट 950 की। 950 की। ये 600 रुपए की है एलो बिट। ओके। ये डी बिट। ओके। ये किस रेट की? 550 रुपए। ये है जो पुलिस के अंदर चलता है दायना। अच्छा, पुलिस लाइन के अंदर तो कभी कभी पुलिस वाले भी आते हैं क्या? जी, ऑर्डर पुलिस का हम कम पूरा करते हैं। करते हैं ना, जयपुर में तो मेरे हिसाब से ज्यादा है थोड़ा, है ना? जी बिल्कुल सर, जयपुर का राजस्थान का मतलब पूरा जो भी टेंडर है वो हमें ही मिलता है पुलिस का, है ना? बिल्कुल। ये है पुलिस का दहना। कितने का है ये सर? 600 रुपए। 600 रुपए का। ये नॉर्मल बिट है। ये नॉर्मल बिट कितने की है? 250 रुपए। 250 रुपए की। एक ही है नॉर्मल बिट SS। अच्छा, इससे घोड़ा सीधा चलेगा बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा। हाँ, क्योंकि वो ये लगे हुए हैं साइड में ना। इससे ये होता है कि मतलब घोड़ा कोई शरारत करता है और अपन को कांटे की नहीं लगानी है जानवर को बिट, तो ये लोग घोड़ा सीधा चलेगा कहना मानेगा। वैसे सोनू भाई, कांटे वाली बीट आप लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं या नहीं करते? कस्टमर को हम खुद मना करते हैं वैसे तो, है ना, क्योंकि कांटे वाली बीट से देखो घोड़े को नुकसान बहुत होता है। आज मैं अगर किसी भी को मारूंगा तो वो मुझे गाली बकेगा। बिल्कुल है, ये सामान मैं बेच रहा हूँ आप जानवर के लगाओगे तो वो भी बद्दुआ ही मुझे देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम तो कस्टमर को पहली चॉइस यही कहते हैं कि भाई बिट कांटे की ना कांटे लगाओ, की ना नॉर्मल बिट लगाओ जितनी लगानी है। बिल्कुल, वो ज्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि जब इंसान प्यार से समझ सकता है तो वो तो जानवर है। और देखो यार, उसके खून निकलता तो दर्द तो उसके भी होता होगा कहीं ना कहीं। ये लोहे का खर्रा है। लोहे का, ये किस प्राइस का है? 40 रुपए। 40 रुपए। ये मार्डिंगल है, घोड़ा जैसे खड़ा हो जाता है सीधा। अच्छा, दोनों पैरों पे। ज्यादा शरारती जो जानवर होता है ना, उसके ये लगाया जाता है। अच्छा, नीचे वो गर्दन के यहाँ से ही बांध देते हैं। भी नहीं होगी उसके, और खड़ा भी नहीं होगा। खड़ा भी नहीं होगा वो, और फिर अपना जो काम है मतलब जहाँ शादी ब्याह में ले जाने का है या किसी बच्चे को राइडिंग करानी है तो वो गिरेगा नहीं, बच्चा सेफ्टी हो जाता है। सोनू भाई, एक अपने पास में वो मिलता है क्या, वो जैसे कि वो लंबा सा आता है विदेश में, वो रबड़ का, वो ऐसा कुछ जैसे बाल हटाने का? हाँ हाँ, वो हाथ का। हाँ, हाथ का। हाँ, ग्लव्स। हाँ हाँ, है ना। ये किस रेट का है ये? 120। 120 रुपए का। ये स्टिक है लेदर की। लेदर कितने की है स्टिक? ये 120। 120। ये ऊपर तो मेरे को लगता है ऊंट का सामान दिखता है जी। ये रेसास बिट है। अच्छा,
ये थोड़ी लंबी स्टिक है ना, रेसास बोलते हैं इसको। ये कितने की है ये सर? ये 550। 550 रुपए की। इसमें क्वालिटी आती है, 250 की भी आती है इसमें। अच्छा, बाकी जो भी सामान आप दिखा रहे हो उसमें क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे अगर बंदा चाहेगा पैसे के हिसाब से मिल जाएगी, क्योंकि सारा सामान दिखाना मुश्किल है। हमको खुद को नहीं पता है कि हम कहाँ कहाँ रखते हैं। वो तो जब आपके पास में रिक्वायरमेंट आती होगी तब ढूंढते हो गए ना। ढूंढना तो नहीं गया, एक बच्चा है जिसको रखा, जिसको पता रहता होगा सब। वो अभी छुट्टी पे है 5-6 दिन से। सही है, पट्टा नीचे लगाने का जो है ये गर्त। ये किस रेट का है? ये 200 रुपए का। 200 रुपए का। बाकी ये भी क्वालिटी आती है, जैसे ये है ये 450 का है। अच्छा, क्वालिटी हर चीज में मिल जाएगी। पेड़ आ गया इसमें नीचे। अच्छा अच्छा, घोड़े के चुभेगा नहीं, सुकड़ेगा नहीं, अगर खींचेंगे तो दिक्कत नहीं होगी घोड़े। हाँ। बाकी ये सब तो मोहरे वगैरह सब है। ऊंट का वो है सैडल के नीचे लगाने का। अच्छा, ऊंट का थड़ा लेते हैं क्या अभी भी लोग? हाँ, ऊंट के जाते हैं अभी भी है? हाँ? कितने का है ऊंट का ये? ये सर ये 2500। 2500 रुपए का। और ये ब्रिजिस है राइडिंग करते समय पहनने के लिए। अच्छा अच्छा, राइडिंग पैंट बोलते हैं इसको, ब्रिजिस। ये कितने की है? जैसा साइज ये 1300। 1300 रुपए। ये साइज मिल जाएगा जो जैसा भी साइज सब मिल जाता है। कलर भी मिल जाते हैं? बिल्कुल, ब्लैक कलर है ये रहा। अच्छा, ब्लैक कलर है, सफेद भी है शायद है ना। इसमें काफी कलर आते हैं। और ये है चैप्स, जैसे कई जने ये होते हैं लॉन्ग बूट की हैवी होने के कारण नहीं पहन पाते हैं। अच्छा, तो वो अपने इसको लगा लो। हाँ, आप सूट पहन के। हाँ, फुल बूट है बिल्कुल। ओके, अब इससे ही होता है जांघों के जैसे बाल छिल जाते हैं। बहुतों को छिल जाते हैं। और ये है शो हाल्टर, ये जो सबसे मैन रहता है ना ये हल्का, इसके साथ में हल्का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, नहीं कर सकते इनके साथ में। ये किस रेट का होगा अभी? ये सर 700 रुपए का है। 700 रुपए का है। इसमें जरा और क्वालिटी दिखाना सुन लो। इसमें ये लेदर के भी आते हैं, ये बायोथिन का है। ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है बायोथिन का कि आप 10 साल भी लोगे तो नहीं टूटेगा ये। अच्छा, टूटेगा नहीं? नहीं टूटेगा ये। तो ये प्लास्टिक का बना है किसका है? ये बायोथिन होती है सर, ये प्लास्टिक जैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये। ओके, एक ये है, एक ये लेदर में है। अभी इनमें क्या है, कड़ियां डलेगी। अच्छा, कड़ियां डल के कड़ियां डलेगी इनमें चैन, फिर तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये लेदर में है। तो अपने यहाँ पे बंदे भी बैठते होंगे 2-3 जो ये काम वाम करते रहते होंगे सारे। बिल्कुल, उनको सब चीज की नॉलेज रहती है कि कौन सा आइटम कहाँ क्या रखा है, क्या बनाना वो है। आप तो फोन कर देते होंगे तो वो तैयार कर देते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सैडल बैग है। अच्छा, जैसे कि टांग रखा है काफी पुराना, जैसे कि मान घूमने फूरने के लिए जा रहे हो उस पर घोड़े पे तो तुम बोतल वगैरह रख। अब बड़े बड़े दरबार है, डुंडलोद हाउस है, जोधपुर हाउस है, मंडावा है, इनकी राइडिंग चलती है, वो चलती है इनकी घुमाने के लिए सफारी, तो उसमें काम आता होगा। उसके अंदर जैसे पानी की बोतल वगैरह या कोई छोटा मोटा बेफर्स वगैरह कुछ भी रख लो इसमें, वो रखने काम में आता होगा। कुछ भी मतलब जैसे आप रास्ते में काम पड़ जाए, नाइफ का घोड़ा के मतलब रस्सी अटक जाए तो नाइफ रख लेते हैं, रस्सी काट दी फटाफट घोड़ा आजाद। ओके, मतलब कई चीजें रखने के काम आता ही है। शूज वगैरह भी मिलते हैं क्या अपने पास में? नहीं सर, शूज नहीं रख सकते। शूज नहीं रख सकते है ना। बाकी ये जो जूते के ऊपर का बता रहे थे ये अलग अलग डिजाइन है। शूज का ऐसा है मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। अच्छा, अगर कोई फोन करेगा तो करवा देते हैं, बनवा देता हूँ उनको। अच्छा अच्छा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तब ये सारा ये जो लोग काम करते होंगे उसका सामान है ये ना। ये देखिए, ये चमड़े का लगाम का सेट। ओके, ये अभी बनाया कारीगरों ने, देखो रख दिया यहाँ, तैयारी कराया वैसे है ना। ये आपको ये शादी ब्याह का है ना। ये है जो लोकल सैडल पैड है। अच्छा, ये कितने का है? जो अपने राजस्थान में चलता है बस। ये कितने का है? ये 500 रुपए। 500 रुपए का। अच्छा, अपने राजस्थान के अलावा कोई नहीं लेता इसको? नहीं, चलता है राजस्थान, गुजरात, पंजाब। अच्छा, थोड़ा राजस्थान में थोड़ा ज्यादा चलता होगा। आउट ऑफ जैसे कंट्री है, बाहर की कंट्री है, वहाँ पे सैडल पैड चलते हैं। सैडल पैड आपको दिखाया था। ओके, ये जो देसी लोग है वो थोड़ा यूज में ले लेते हैं इसको ज्यादा। और ये स्ट्रॉन्ग भी रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है। ये ऊँट के लिए है ना? ऊँट का ही है। ये कितने का है ऊँट का? ये सर ये 1800। 1800 रुपए का। ये देखिए, ये है ऊँट का डेकोरेशन का। अच्छा, ऊँट का डेकोरेशन का भी पूरा सामान मिल जाता होगा अपने पास।
ये गर्थ है ऊंट का। मैं ना घोड़ों और ऊंट का ही सामान अपने पास मिलता होगा, ऊंट और घोड़े का। जैसे मान के चलो ऊंट का पूरा डेकोरेशन का सामान लेना चाहे तो कितने में पड़ जाएगा टोटल फुल सामान की बात करें? वो देखिए काठी वगैरह सब 20,000 से लेके और 2,00,000 रुपए तक ऊंट का। हाँ अच्छा, पूरा डेकोरेशन का 20,000 में भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऊंट 15,000 में भी कंप्लीट। वो फिर सामान उसी हिसाब से आएंगे, फिर वो 2,00,000 वाले उसी से 2,00,000 वाले में थोड़ी एंटिक काठी आ जाती है, यानी एक जींस 500 रुपए में भी आती है और एक 10,000 की भी आती है, वही वाली बात। कंपनी के ब्रांडेड के हिसाब से ब्रांडेड, इसमें भी ब्रांड आते हैं क्या सामानों में भी? ब्रांड तो क्या सर, देखिए पर ये कि मटेरियल का फर्क आ जाता है। नया कारीगर आज का वो स्पीड में बनाएगा, एक पुराना कारीगर है वो हाथ से बनाएगा, तो उस चीज का ब्रांड का फर्क है बस, है ना। वो हाथ वाला ज्यादा चलता है उस काम में, सुंदर लगता है देखने में, हाथ वाला मजबूत भी होता है। अच्छा, और मशीन वाले में इतनी सुंदरता नहीं आ पाती होगी, नहीं आएगा और फिर मजबूती इतनी नहीं दे पाएगा इंसान उसमें। वो तो रफ एंड टफ यूज होने वाला काम है, वो तो काम ऐसे ही करेगा चलाओ और निकलो निकालो किसी का काम नहीं अटकता है। बिल्कुल, ये कारीगर काम करते हैं सर। ये भी तैयार हुई दिखती है अभी, हाँ, ना? अभी तैयार करूंगा। ये मशीनों से क्या कुछ सिला जाता होगा? हाँ सर, इनसे ये जेवर वगैरह तैयार करे जाते हैं, जैसे मोहरे हैं ये तैयार करे जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये कच्चा माल है चमड़े का, इधर इधर ये है ना, ये सेडल वगैरह, यानी कि ये माल तैयार करके और फिर आगे के रूम में पहुंचता होगा। बिल्कुल सर। ओके, अब ऊंट की काठियां और दिखा देता हूं आपको। हाँ हाँ, यही सर, ये देखिए ऊंट की काठी, ऊंट की काठियां, ये लोहे वाली है ना? नहीं, इसमें सब है सर, मिक्स है, निकल की भी है, लोहे की भी है, चांदी की भी है, सब मिल जाएगा। हाँ, ये किस प्राइस में होगी सोनू भाई? ये जो ऊपर रखी है ना, हाँ, ये वाली तो 2,000 की है, 2,000 की है। हाँ, ओके। और ये जो नीचे रखी है ये, हाँ, ये 2,500 की है, 2,500 की। ये है 3,500 रुपए की, 3,500 रुपए की। इसमें ये पीतल की है नीचे, ये भी। अच्छा, ये भी। ये पीतल की है, कपड़ा मारते चमक जाती होगी। हाँ? ना धूल जम रही है, ये पीतल की है। हाँ, ये 7,000, यानी पीतल और लोहा दोनों की इसमें आती है ना? ये चांदी में है। अच्छा, चांदी में। हाँ, चांदी की कितने की पड़ती है ये सर? काठी काठी 3,50,000 की है। 3,50,000 की? हाँ, ऊंट की 250 साल पुरानी काठी है। अच्छा, 250 साल पुरानी। तो आपके पास में ये एक पीस है कि बहुत सारे हैं? इनमें तकरीबन 10-12 पीस हैं अलग अलग तरीके के। तो ये कितने दिन में एक काठी बिक जाती होगी सर? ये तो हमने लेके रख ली। अच्छा, बिकेगी जब हमारा नसीब है। देखिए, तो ये आपने कहीं से बाहर से मंगवाई हुई है? नहीं 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 सर, ये सब यहाँ पे जो लोकल गांव वाले होते हैं ना, जिनको नहीं पता कि इसकी कीमत अब क्या है, उनके पास पहले ऊंट थे, अब ऊंट नहीं है उनके पास, क्योंकि अब खेती बाड़ी बंद हो गई तो ऊंट भी नहीं है, तो काठी रख देते, तो वो कहते हैं भाई ये काठी है, ये तुम्हारे काम आ जाए तो ले लो, उनको दे देते हैं पैसे उनके खर्चे के, भाई 2,000-5,000-10,000 जो भी तेरे समझ में आए ले जा। तो इसमें कितनी चांदी रहती होगी सर? मैक्सिमम 200-300 ग्राम लगाते हैं। 200-300 ग्राम, तो फिर इसकी रेट इतना क्यों बढ़ जाता है? एंटीक हो गई ना, 250 साल, 250 साल। अच्छा, 250 साल पुरानी है, 250 साल पुरानी के हिसाब से पैसा है ऐसे। तो अब ये भी है मेरे पास, ये वाली। अच्छा, ये पीतल में है, ये पीतल में 35,000 की है। 35,000, मेरे लगता है घोड़ों से ज्यादा तो ये ऊँटों की काठियां महंगी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऊँटों की बहुत महंगी होती है ना। हाँ। पर जिस हिसाब से भी ऊँट कम हो गए, उस हिसाब से ऊँटों का सेल परचेज का भी थोड़ा सा सर, अब तो शौक के तौर पे बाहर जाता ही है। अच्छा, बाहर। हाँ। ये है जो ऊँट के टांगे में लगती है, ऊँट का जो वो होती है गाड़ी, ये उसमें लगी जाती है काठी। अच्छा, ऊँट के उसमें। हाँ, पहले ये भी, ये पुराने टाइम में ये बहुत यूज में आती थी, है ना? पुरानी है हमारी रखी हुई। अच्छा, ये एक ही पीस है क्या आपके पास? अब ये बिकता ही नहीं है सर। अच्छा, बिकता लेता ही नहीं होगा कोई? बिकता नहीं है, 20 साल हो गए इसको, इसी को रखे हुए। ये बॉटम जींस की तरह हो गया जो। हाँ। ये ऊंट का भी अपने पास में सारा सामान मिल जाता होगा, है ना? का, घोड़े का, मतलब अधिकतर कोई से पशु का बोलेंगे तैयार कर देंगे। यानी कि घोड़े का तो ओवरऑल सारा ही सामान मिल जाता है। घोड़े का तो फुल सामान जो चाहोगे वो, जैसी भी, जैसा पैसा है वैसे हिसाब से सामान मिल जाएगा। ये है जो गुजराती सैडल है, अभी इसमें का ये तो पुराना पीस है, नया अच्छा, पीस अच्छा। है नहीं। हाँ, ये गुजराती जीन है, गुजराती। हाँ, ये कितने का पड़ता होगा वैसे सर? ये तैयार होने के बाद में 10-12 हजार का पड़ता ही है। तो लोग लेते हैं क्या अभी भी इसको? हाँ, ये खूब बिकता है बालोतरा के मेले के अंदर, खूब बिकता है, हमारे पास रहते हैं। थोड़ा सा यूनिक है, पुराना। हाँ, है इस हिसाब से, है ना? इसके हम करीबन 50 पीस बालोतरा के मेले में बेच देते हैं। बालोतरा के मेले में
तो सोनू भाई एक चीज ये बताओ, जैसे कि इस साल मेले नहीं लगे, बिल्कुल, तो मेले नहीं लगने से क्या आपको नुकसान हुआ इस बार? यानी सर नुकसान तो हमको क्या, देखो व्यापारियों को भी सबो को ये नुकसान तो ओवरऑल नुकसान, पर अब ये है कि ये तो हम कहते हैं ना कि अपने समय से समझौता कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बिल्कुल, पर जब भी घाटा नुकसान तो बहुत है ना, बहुत है नुकसान, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर मेलों के अंदर हमारा जो हम कर्जा भी लेते हैं, देखो आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं जो कर्जा नहीं लेता है, और देखो ऐसे बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन आदमी तो कर्जे के बैंक लोन और कर्जा चलता ही है उस पे। हाँ, तो उसमें कर्जा भी चूकता है, किसी के व्यापारी से माल मंगाते हैं उसको पैसा भी भेजना पड़ता है, और आपको दो पैसा ज्यादा भी बच जाता होगा ना, दो पैसा थोड़ा बच जाता है उसमें कि हम थोड़ा अपना फिक्स डिपॉजिट कर दें इसको, थोड़ा यानी कि सेविंग हो जाती है, सेविंग हो जाता है बस। तो सोनू भाई किस किस मेले में दुकान लगाते हो? सर पुष्कर में लगती है, नागौर में लगती है, चौथ का बरवाड़ा है, पीपलू है, बालोतरा है, रानीवाड़ा है, सांचौर है, और यहाँ राजस्थान में ये एक हमारे जयपुर के अंदर खिलकानी का मेला, खलकानी का वो भी है, ऐसे करके 8-10 मेले, 8-10 यानी राजस्थान पूरा कवर कर लेते हो एक तरीके से, यानी और होलसेल वालों को भी माल देते रहते हैं दुकानदार जो होते हैं। बाकी ये सामान तैयार कर रहे हैं बाहर, है ना? हाँ। ये सब हमारे यहाँ तैयार किया ही जाता है ये। अच्छा ये। हाँ सब। इसको तैयार करने में कितना टाइम लग जाता होगा एक को? ये खाली ये डिजाइन दे रहे हैं या इसमें ये सिलाई भी कर रहे हैं इसको? ये सिलाई हो रही है सर ये। और डिजाइन भी आ रही है। डिजाइन भी।